राज्य स्तरीय आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 मई रविवार को सूर्या मॉल में किया गया। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 12 जिलों के 150 से अधिक प्रतिभागी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग के स्टेट सेक्रेटरी शुभम मनशाकर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ से 150 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहाँ से चयनित खिलाड़ी एशियाई प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। आज हम लोग सूर्या मॉल में 19 तारीख को स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये है सिलेक्शन ट्रायल्स है नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए, जो 6, 7, 8 जून आसाम में होने जा रहा है। तो उसके लिए ये सिलेक्शन ट्रायल्स है और करीबन 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। मोर देन 150 प्लस प्लेयर पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत ही अच्छा क्राउड यहाँ हमें एक्सपेक्ट किया था, तो बहुत अच्छा क्राउड देखने के लिए मिला है। बहुत अच्छे अच्छे चैंपियंस आए अपने डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट करने के लिए और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी टीम जाए, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करे नेशनल चैंपियनशिप में। इस बार जुलाई में बैंगलोर में एशिया चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज हो रही है इंडिया में, तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ से कई प्लेयर प्रतिनिधित्व करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मोर देन 150 प्लस प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए हैं इस चैंपियनशिप में। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, मतलब जैसे बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायपुर, अदर अदर डिस्ट्रिक्ट से बागबारा, गरियाबंद, सब डिस्ट्रिक्ट से इसमें आए हैं।